नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री ऑटोबल। आज हम बात करने वाले अशोक लेलैंड दोस्त स्ट्रॉन्ग इस गाड़ी के बारे में। इसमें तीन वेरिएंट्स मिलते हैं, LE, LS, LX। LE बेस मॉडल, LS मिड मॉडल, LX टॉप मॉडल। आज हम देख रहे हैं टॉप मॉडल LX वेरिएंट, और इसमें सभी वेरिएंट्स में सेम ही लुक दिया है, और सेंटर में अशोक लेलैंड की लोगो दिया है, और ऊपर अशोक लेलैंड की बैजिंग दिया है। और इसका हेडलाइट, इसमें हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, साइड में इंडिकेटर दिया है। और इसका बम्पर, इसमें बॉडी कलर्ड बम्पर मिलते हैं, और नीचे रिफ्लेक्टर दिया है, और बम्पर में ग्रिल दिया है। और इसका विंडशील्ड, इसमें लैमिनेटेड विंडशील्ड ग्लास दिया है, क्लीन करने के लिए दो वाइपर्स दिया है वॉशर के साथ। और इसका ग्रॉस व्हीकल वेट 2590 kg दिया है, और इसका पेलोड कैपेसिटी 1250 kg दिया है। और इस गाड़ी में IGN 6 टेक्नोलॉजी दिया है, इसमें कोई एड ब्लू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका साइड व्यू, इस गाड़ी का ओवरऑल लेंथ है 4485 mm, और इसका विड्थ है 1620 mm, और इसका हाइट है 1835 mm, और साइड में इंडिकेटर दिया है, और डोर्स पर दोस्त LX की बैजिंग दिया है। और इसका साइड व्यू मिरर, और इसका डोर हैंडल, और इसका फ्रंट टायर। टायर साइज मिलते हैं 185 R14 LT 8 ply रेटिंग की ट्यूबलेस रेडियल टायर इसमें मिलते हैं। अब इसकी ब्रेक्स की बात करेंगे, इसमें वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक्स विद LSPV दिया है, यानी कि लोड सेंसिंग प्रोपोशनिंग वाल्व इसमें दिया है। फ्रंट सस्पेंशन में रिजिड सस्पेंशन विद पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया है, और इसमें डबल एक्टिंग शॉक अब्जर्वर्स भी दिया है। और स्टीयरिंग में पावर स्टीयरिंग मिलते हैं, LE वेरिएंट में मैकेनिकल स्टीयरिंग मिलते हैं। फ्रंट ब्रेक्स में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दिया है, और इसमें दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, वाइट और आयरिश क्रीम कलर। आज हम देख रहे हैं आयरिश क्रीम कलर गाड़ी। और इस गाड़ी में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 40 लीटर की, और इसका माइलेज कंपनी क्लेम करता है 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर। यह माइलेज डिपेंड करता है कि किस रोड पर चला रहे हैं, क्या वो ई लोडिंग, और चलाने के तरीके से माइलेज चेंज हो सकता है। और साइड में हुक्स वगैरह दिया है, और इसका व्हील बेस 2350 mm दिया है, और इसका रियर सस्पेंशन में 2 स्टेज पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया है। और इसका रियर एक्सल, रियर ब्रेक्स में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, और इसका गियर बॉक्स, इसमें 5-speed गियर बॉक्स मिलते हैं, और लोड बॉडी को अप्लीकेशन के हिसाब से ले सकते हैं। फर्स्ट इसमें केबिन विथ चेसिस मिल जाते हैं, सेकेंड केबिन विथ फिक्स साइड डेक ऑप्शन दिया है, थर्ड इसमें केबिन विथ हाई साइड डेक ऑप्शन दिया है। अभी आज देख रहे हैं फिक्स साइड डेक बॉडी ऑप्शन, बॉडी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और इस गाड़ी के ऊपर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक वारंटी मिलती है, और इसका सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर दिया है। और इसका रियर लुक, रियर में अशोक लेलैंड की बैजिंग दिया है, और रिफ्लेक्टर टेप दिया है, और इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया है। रिवर्स करते टाइम कोई ऑब्जेक्ट बीच में होता तो केबिन के अंदर बीप साउंड आएगा। और इसमें 3 सेंसिंग पॉइंट दिया है। और इसका टेल लैम्प, इसमें नॉर्मल टेल लैम्प मिलते हैं, और इसका स्पेयर व्हील। और इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत 7,58,200 रुपये से स्टार्ट होते हैं, और इसके ऑन रोड प्राइस और अदर डिटेल्स के लिए नियरेस्ट शोरूम को कांटेक्ट करें। और आप महाराष्ट्र से गाड़ी लेना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब इसकी लोड बॉडी की डायमेंशंस बात करेंगे, लंबाई है 8.2 फीट दिया है, चौड़ाई 5.3 फीट मिलते हैं, और इसका हाइट 380 mm दिया है, और इसका लोडिंग हाइट 840 mm दिया है। और इसका लोड बॉडी का डोर, इसमें पीछे से सपोर्ट दिया है, काफ़ी अच्छे हेवी सपोर्ट दिया है। और इसका प्लेटफॉर्म का व्यू, और इसका पेलोड कैपेसिटी मिलते हैं 1250 kg। और इस गाड़ी के मैक्सिमम स्पीड मिलते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और इस गाड़ी का ग्रेडेबिलिटी मिलते हैं 32.27% मिलते हैं। और इसका लोड बॉडी का लॉक, काफ़ी अच्छे लॉकिंग सिस्टम इसमें दिया है, और इस गाड़ी में कोई एड ब्लू और DEF डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें IGN 6 टेक्नोलॉजी दिया है, और इसका बैटरी, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी दिया है, और इसका एग्जॉस्ट सिस्टम। अब इसके इंजन की बात करेंगे, इसमें 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन दिया है, TDCR टर्बोचार्ज्ड डीजल कॉमन रॉयल इंजन दिया है,
1478 सीसी का इंजन मिलते हैं, और इसका पावर 70 HP की 3300 RPM पर, और इसका टॉर्क 170 न्यूटन मीटर की 1600 से 2400 RPM पर, और इसका क्लच मिलते हैं 240 mm की डायफ्राम सिंगल ड्राइव प्लेट मैकेनिकली केबल ऑपरेटेड, और इसका गियर बॉक्स मिलते हैं फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड 5-स्पीड गियर बॉक्स इंटीग्रेटेड बेल हाउसिंग, इसमें 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स मिलते हैं, और आसानी से गियर चेंज करने के लिए केबल शिफ्टिंग मैकेनिज्म मिलते हैं, और केबिन के पीछे एयर इनटेक पाइप मिलते हैं और स्लाइडिंग विंडो दिया है। अब इसकी इंटीरियर की बात करेंगे, डोर्स में सिंपल मिलते हैं, और साइड में लॉक अनलॉक की लीवर दिया है, और ग्रैब हैंडल मिलते हैं, और मिरर अप डाउन करने के लिए लीवर दिया है, अनलॉकिंग लीवर, और इसमें कंपनी फिटेड स्पीकर मिलते हैं, और इसका इंटीरियर का व्यू, और इसमें सीटिंग कैपेसिटी मिलते हैं ड्राइवर प्लस एक, और इसका ड्राइवर सीट इसमें एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया है। अभी अशोक लेलैंड 2 स्टॉक में ऑफर चल रहा है, अभी इसमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम फ्री में दिया है, और साइड में ब्रेक फ्लूइड टैंक दिया है, और ऑफर्स के लिए नियर शोरूम को कांटेक्ट करें, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसका डैशबोर्ड का व्यू, और इसका स्टीयरिंग, इसमें 2 स्पोक पावर स्टीयरिंग मिलते हैं, और बीच में अशोक लेलैंड की लोगो दिया है, और राइट साइड पर इंडिकेटर हेडलाइट कंट्रोल्स दिया है, और लेफ्ट साइड पर वाइपर कंट्रोल्स दिया है, और इसका ब्लोअर वेंट्स, इसमें एयर कंडीशनिंग दिया है, और इसका कीस, इसमें 2 कीस मिलते हैं, और इसमें 4 ब्लोअर वेंट्स मिलते हैं, और इसका कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, इसमें USB ऑक्स FM वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको रिमोट भी दिया है, और इसके साउंड क्वालिटी अच्छे दिया है, और नीचे में AC कंट्रोल्स वगैरह दिया है, और साइड में मोबाइल होल्डर दिया है, और नीचे चार्जिंग सॉकेट और हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए कंट्रोलर दिया है, और साइड में लॉकेबल ग्लोव बॉक्स दिया है, और इसमें कंपनी तरफ से मैट भी दिया है, और इसका को ड्राइवर सीट, और ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट को क्लोज किया तो इसमें केबिन के अंदर ही सो सकते हैं, और को ड्राइवर के सीट के पीछे इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स वगैरह दिया है, और इधर टूल्स वगैरह दिया है, और इसका विंडशील वॉशर फ्लूइड टैंक, और नीचे जैक दिया है, और ऊपर में IRVM दिया है, और इसके सन वाइजर, और पीछे केबिन लाइट दिया है, और इसका हैंड ब्रेक लीवर, और इसके गियर लीवर, इसमें 5-स्पीड गियर बॉक्स दिया है केबल शिफ्टिंग मैकेनिज्म के साथ, और स्टीयरिंग के ऊपर 1000 mm की स्विच दिया है, और इसका इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर, इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर दिया है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन शो होते हैं, और इसका लॉकेबल ग्लो बॉक्स, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, इसके लिए अलग से की दिया है, और इसका केबिन तो काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस केबिन दिया है। अब इसकी इंजन के साउंड सुनाएंगे, और इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर अमेज़न को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।